सुल्तान, मुझे जरा सोचने का तो मौका दें। मौका चाहिए ना तुम्हें? जाओ दिया मौका। लेकिन अब मेरी तुमसे बात उसी वक्त होगी, तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी, वरना भूल जाएंगे। सुल्तान, सुल्तान। ये पिक्चर पोस्ट ही की है कि पहला लाइक आ गया। लाइक भी किसका है? गैस करो। शान ने लाइक किया होगा। भाभी ने किया होगा। अरे नहीं नहीं, भाभी नहीं है, मशाल है भाई। इस वक्त और कौन ऑनलाइन हो सकता है? और ये देखो, कमेंट में हार्ट भी पोस्ट किया। क्यूट। पिकअप यार, कम ऑन, सिंपल शॉट है, पिकअप तो करो। इट्स ओके जुनैद, इतने दिनों बाद खेल रहे, सडन प्लान बना है। अच्छा है, हेल्दी गेम्स होनी चाहिए, हार जीत की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारा पॉइंट। मिलिए मेरी फिलोसोफर बीवी से। अरे सुल्तान, तुम बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, गेम को एंजॉय करने आए हैं, हार जीत के बारे में सोचते रहेंगे क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह हाफिज़। लो भाई, तुम्हारी दोस्त मशल के घर से डिनर का इन्विटेशन आया। उसका सोचना है कि हम लोगों को ताल्लुकात मजबूत करने की जरूरत है। इनवाइट किया है, चलेंगे, तैयार है ना? ओके। वाह भाई, मशल से थोड़ा दूर रहो यार। भाभी, मैं क्यों उससे दूर हूं? इतनी मुश्किल से मेरे और सुल्तान के दरमियान की बर्फ पिघली है, फिर ये मशल सारा टाइम चिपकी रहती है, जरा भी टाइम नहीं देती। असरा, तुम सुल्तान को कंट्रोल करो ना। मशल तो गैर है, पर सुल्तान तो हस्बैंड है ना तुम्हारा। मूवी जबरदस्त है। हाँ, इट वाज। अच्छा, नेक्स्ट मूवी का जो प्लान होगा वो हमारी तरफ से होगा, ओके? और किसी दिन थिएटर का प्लान करते हैं, बहुत मजा आएगा। थिएटर? थिएटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग होता है ना। ना। अरे असरा, तुमने देखा नहीं है यार, चल के देखोगी, यू विल लव इट, बहुत मजा आएगा। आप इसको रहने दें, आपने कह दिया ना, बस प्लान डन है। दुनिया की किसी भी औरत को सहेली के नाम पर अपने शौहर के सामने धकेल के तमाशा नहीं देखा जाता। सर, और आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान के देखे रिश्ता ताया नहीं, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये इसरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरवर जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह इसरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो भड़क उठता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सर और आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान के देखे रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीके बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पे सरवर जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीके बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरवर जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीके बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन
फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैये देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैये देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैये देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। इस पे सुल्तान कहते हैं कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पे सरवर जहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश किया और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहते हैं कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरवर जहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैये देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को
फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश किया और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है और साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इस पे सुल्तान के देखे रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। तो इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है और साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान के देखे रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहते हैं कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सर और जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सर और जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सर और जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर और जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहते हैं कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सर और जहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सर और जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़क उठता है। सर और जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर और जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर और आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरह एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को
फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहते कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो भड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते क्या बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीके बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो भड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते क्या बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरार आखिरकार सुल्तान को उसके औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये सरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तरीके बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरार असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है, तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तो इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी तो आखिर ये सरार वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इस पे सरार जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरार भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरार जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो भड़क उठता है। सरार जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरार जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते क्या बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सर और आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उसे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पे सरवर जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियली इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरवर आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था। सुल्तान की रवैया देखकर असरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहते है कि मेरा उसके साथ किसी का कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्रपोजल मेरे लिए आया था और मैं उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी हूँ और इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पे सुल्तान कहते हैं कि रिश्ता ताया नहीं लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम एक्सेस बंद कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा ताकि तुम ना कहीं जा सको और ना किसी से मिल सको। दूसरी तरफ असरा की माँ सरवर असरा को फोन करती है और कहते है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आ रही। इस पे असरा बताती है कि सुल्तान ने मुझे मना कर दिया है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ पर तमाम किस्म की पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर सरवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा सुल्तान को फोन करती है और कहती है तुमने आखिर असरा को यहाँ आने से क्यों मना किया है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। इस पे सुल्तान कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको वजह भी दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ऑफिशियल थी आखिर ये सरवर वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पे सरवर जहाँ कहते कि जिस तरह से पार्टी ऑफिशियल थी बिल्कुल उसी तरह सरवर भी वहाँ पर ऑफिशियल इन्वाइटेड था। इस बात पर सरवर जहाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते है कि बात तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है और ये तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही। इस बात पर सुल्तान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बड़ा कुटता है। सरवर जहाँ से कहता है कि मेरा नाम जिस मर्जी के साथ जुड़े लेकिन अगर आपकी बेटी असरा का नाम किसी और के साथ जुड़ेगा तो ये बात याद रखना कि मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरवर जहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहने की कोशिश की और उसके मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो सुल्तान ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरवर आखिरकार सुल्तान को उसकी औकात दिखाई देती है, साथ ही साथ उसको धमकी भी देती है कि अगर उसने असरा को तंग करने की कोशिश की और या उसकी माँ के दरवाजे उस पर बंद करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई और नहीं होगा। सुल्तान जो कि असरा को उसके माँ के घर से वापस लेकर जाता है और रास्ते में उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये इसरार कौन है और आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हारा